दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने आपको खर्चे से शुरू किया था कि खर्चा होता है जो बिजनेस स्पेंड करता है, और खर्चा रेवेन्यू भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। वो खर्चा जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर ही मिलता है, बस उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल में मेनली एक्सपेंसेस आ गए। और वो खर्चा जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा चलता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो नॉन करंट एसेट्स थे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आए। फिर मैंने बात ये की थी कि नॉन करंट एसेट्स की डिस्कशन को आगे बढ़ाया था कि वो एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं वो टेंजिबल हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते वो इनटेंजिबल हैं, और इसके अलावा और भी होते हैं, यानी फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल एसेट्स भी होते हैं, लेकिन वो अभी डिस्कशन का मकसद नहीं थे, इसलिए मैंने वो बाकी शाखें खुली छोड़ के दो नाम बस लिखे थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिर टेंजिबल पे आगे बढ़ा था कि ये जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं इनके लिए एक चैप्टर लिखा गया है दुनिया में स्टैंडर्ड, वो है IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये पढ़ना शुरू किया था कल हमने। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होते हैं? वो सारे टेंजिबल एसेट्स हैं जो एक साल से ज्यादा लाइफ है और बिजनेस उनको यूज कर रहा है। क्यों? या तो गुड सर्विसेज बना रहा है, सप्लाई कर रहा है, खुद इस्तेमाल कर रहा है, या दूसरों को किराए पे दे रहा है। और इसकी मिसालें क्या थी? ये बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड, व्हीकल्स, और इन सब मिसालों को कहते हैं क्लासेस ऑफ पीपी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बड़ा नाम है, उसके अंदर यह सारी लिस्ट है, और ये सारे एसेट्स एक साल से ज्यादा इस्तेमाल होंगे। कितना अरसा इस्तेमाल होंगे? यूजफुल लाइफ। क्या होती है यूजफुल लाइफ? टाइम पीरियड भी हो सकता है, जितने अरसे हमारा अंदाजा है कि इसको इस्तेमाल करना है, और जो उससे यूजेज लेनी है वो भी हो सकता है। उसमें आर्स भी हो सकते हैं, किलोमीटर हो सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रिंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूजेज आर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये थी यूजफुल लाइफ। फिर यूजफुल लाइफ के बाद क्या करेंगे? बेच देंगे। कितने का बेचेंगे? रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू वो अंदाजा है जितने का बिकेगा एसेट, और अगर बेचने पे को खर्चा आएगा वो नेट कर लेंगे। तो अब जो नेट आंसर है वो रेजिडुअल वैल्यू। और ये अंदाजा लगाया कैसे जाता है? कि आज के हालात में उतना पुराना चल चुका है एसेट, जितना पुराना करके हमने बेचना है वो कितने का मिल रहा है। यहां तक मेरे ख्याल में हुई थी बस डिस्कशन। अच्छा, वो ऑनलाइन में भी ना कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था, आज दो ये बात आप तक पहुंचते पहुंचते भी 5 दिन लग जाएंगे, और तो आपको भी ये चीजें मसला कर सकती है। मैं दोबारा बता देता हूं, गुड्स का खरीदना, मैंने कहा था कि दो अप्रोचेस चलती हैं। एक अप्रोच के तहत गुड्स का खरीदना एक्सपेंस माना जाता है, और एक अप्रोच के तहत गुड्स का खरीदना एसेट माना जाता है। तो मैंने अभी आपको एक्सपेंस वाली अप्रोच पढ़ाई थी, जब मैं इंट्रो के टॉपिक्स जो आपको मैंने 3 दिन के बताए थे जो रिवाइज करवाने हैं, इन्वेंट्री, बैड डेट्स और एक्रूअल प्रीपेमेंट, तो जब इन्वेंट्री पढ़ाऊंगा ना बेटा तो उसमें एक चीज करूंगा डिस्कस कि दूसरी अप्रोच क्या है। तो अभी फिलहाल हमने एक्सपेंस कहने वाली अप्रोच पढ़ी थी। तो जिस बच्चे के दिल में वसवसे आ रहे हैं कि नहीं नहीं ये एसेट भी तो हो सकता है, तो वो भी वसवसों को दबा के रखें, जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इस दूसरी अप्रोच का जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों का एक कॉन्सेप्ट होता है, और सही है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, कि एक्सपेंस वो खर्चा है जिसका बेनिफिट मिल चुका, और एसेट वो खर्चा है जिसका बेनिफिट मिलना है। ये बात कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक है, ये बात दोहरा रहा हूं मैं। एक्सपेंस वो खर्चा है जिसका बेनिफिट मिल चुका, और एसेट वो खर्चा है जिसका बेनिफिट मिलना है। लेकिन इसको अभी फिलहाल बहुत गहराई में आप लेके जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। जैसे आप ये सोचेंगे अगर कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है तो वो एसेट है कि एक्सपेंस है? लेकिन अभी तो पेट्रोल है, जब तक पेट्रोल है तो वो तो यूज होना है, जो यूज कर लिया वो तो उड़ गया, तो पेट्रोल एसेट है कि एक्सपेंस है? हो गई ना बात, गुजमुच हो गई बात। स्टेशनरी खरीदी है, बेनिफिट ले चुके हैं लेना है, तो एसेट है कि एक्सपेंस है? जबकि मैंने एक्सपेंसेस की लिस्ट में लिखवाया था, तो फिर ये एसेट है कि एक्सपेंस है? तो इसलिए अभी इस वक्त आप इस पे ज्यादा गहरा सोचेंगे तो गुमराह होने के चांसेस हैं। यहां तक ये बात कॉन्सेप्चुअली सही है कि एसेट वो खर्चा है जिसके बेनिफिट, एसेट वो खर्चा है जिसके बेनिफिट फ्यूचर में मिलने हैं, और एक्सपेंस वो खर्चा है जिसके बेनिफिट मिल चुका। तो फिर खरीदी हुई स्टेशनरी को हम एक्सपेंस क्यों कह देते थे, पेट्रोल को एक्सपेंस क्यों कह देते थे? ये अभी थोड़ी जल्दी हो जाएगी डिस्कशन, इसलिए इस गहराई को भी अभी रोक लें। बस अभी जो एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई थी वो अभी वैसे ही मान लें कि हाँ वो एक्सपेंसेस हैं।
फिर इस मसले का क्या करेंगे कि भाई वो तो इंक इस्तेमाल ही नहीं हुई तो वो तो एसेट है, ये भी थोड़ी जल्दी हो जाएगी बात। मैंने आपको इंट्रो टू अकाउंटिंग का एक टॉपिक करवाना है, एक्रूअल एंड प्री पेमेंट, जब ये पढ़ा दूंगा ना तो फिर इंशाल्लाह ये बात तसल्ली बख्श जवाब मिल चुका होगा कि एक्सपेंस को हम एक्सपेंस क्यों कह रहे हैं, एसेट को एसेट क्यों कह रहे हैं। ये जो मैंने आपको एक मेन बात बताई ना कि एसेट वो खर्चा है जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है और एक्सपेंस वो खर्चा है, ये बात कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस की लिस्ट वाली आइटम्स पे ये लगाना अभी शुरू कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस बात को अभी साइड पे कर दीजिएगा, इस पे भी ज्यादा गहरा मत सोचिएगा। जब हम अगले एक दो चैप्टर्स और पढ़ लेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट्स आस्ता-आस्ता बेहतर होने शुरू हो चुके होंगे। चलिए, ये तो मुझे चूंकि ऑनलाइन वालों ने कुछ सवाल पूछा तो मैं सबके सामने ले आया। अगर आपके भी जो मेरे सामने बैठे हैं इस तरह की कोई और कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए, क्योंकि खुद सोचते रहेंगे ना और उसका जवाब नहीं मांगेंगे तो फिर वहां से फिर आपके कॉन्सेप्ट्स खराब हो जाते हैं खुद ही सोच सोच के। तो आपको जरा सी भी अब तक के पढ़े हुए में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, दफा करो क्या पूछ रहे हैं ना। हाँ जी, नेचुरल पर्सन है, हाँ जैसे नहीं होते, नहीं होते, कुछ बहुत एडवांस किस्म की चीजें हैं, बहुत एडवांस के जो फुटबॉल क्लब्स में खिलाड़ी होते हैं ना वो इन खिलाड़ियों को एसेट कह रहे होते हैं, वो भी एक बल्कि इंटेंजिबल एसेट कह रहे होते हैं, उसकी भी वजह है पैसे के हिसाब से होती है। अगर उस एक्सट्रीम मिसाल को छोड़ दें, बिल्कुल आम जैसे कॉलेज के टीचर्स की बात कर लें तो नहीं होते वो एसेट, और इसकी वजह आप और बड़े होकर FAR 2 में जाए 38 पढ़ लेंगे तो जवाब मिलेगा। अब ये बहुत एडवांस सवाल है तो उसका जवाब है नहीं होते, जनरली नहीं होते। चलो ठीक है जी, कुछ नहीं पूछना और। पीपी हो गया, यूजफुल लाइफ, रेजुलर वैल्यू। मैं आपको भी डेफिनेशन पढ़ा रहा था जी, ऑन करना, ऑफ ऑन करना। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा था और उनमें से तीन बता दी थी आपको, कॉस्ट, अच्छा इस कॉस्ट की डेफिनेशन को मैं अभी बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बाकी फिर इसी चैप्टर में आगे चल के होगी बात, अभी बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा इस पर लंबी बात हम नहीं करेंगे। नाम से क्या लगता है वर्ड कॉस्ट है, कीमत, खर्चा, जो है ये कहां पड़ी डेफिनेशन, कहां पड़ी डेफिनेशन अभी कहां, नहीं ये मैं खुद ही बनाई है डेफिनेशन। हाँ यार, अच्छा एक एक प्रोडक्ट है और उसकी एक प्राइस है, अब ये मोबाइल की एक प्राइस है तो जो सेलर इसको सेल कर रहा है 25,000 लेस प्राइस है, तो जो सेलर इसको 25,000 रुपए का सेल कर रहा है ये 25,000 रुपए उसके लिए एक इनकम हो गई, और जो खरीद रहा है उसके लिए खर्चा हो गया, तो जो खरीद रहा है उसको ये कॉस्ट पड़ रही है 25,000, कॉस्ट ये खर्चा क्या पड़ रहा है, तो कॉस्ट कहते हैं जो वो पैसे दे रहा है। अच्छा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं 16 में, पीपीई ना, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, तो लिखिए अंग्रेजी बताता हूं, लिखे कॉस्ट इज दी, कॉस्ट इज दी अमाउंट ऑफ कैश पेड, कॉस्ट इज दी अमाउंट ऑफ कैश पेड ये बात तो मैंने अभी समझा भी दी कि जैसे अगर एसेट खरीदा है तो जितने का खरीदा वो कॉस्ट है, कि हमारी जैसे पैसे कितने गए उसको कॉस्ट कहते हैं, और जो अगली बात है वो अभी लिख रहा हूं सिर्फ, ये हमने काफी आगे चल के टॉपिक पढ़ना है एक्सचेंज, काफी आगे मतलब इसी चैप्टर में, तो ये उस एक्सचेंज पढ़ाने के बाद ये बात समझ आएगी जो भी लिख रहा हूं। द फेयर वैल्यू of other consideration, अभी सिर्फ लिख ले इसको, समझाया इस पोर्शन को मैंने अभी नहीं है, to acquire the asset, यानी cost वो अभी तक जो बात बताई है वो बस ये है कि asset को acquire करने के लिए, हासिल करने के लिए जो हमारी जेब से cash जा रहा है वो उसकी cost है, बाकी बात और the fair value of other consideration given ये अभी नहीं समझाया,
ये इसी चैप्टर में आगे चल के समझाऊंगा। तो अभी तक के लिए बस इतना काफी है कि हम जो एसेट खरीदेंगे या बनाएंगे, उसको खरीदने या बनाने में जो हमें खर्चा पड़ेगा वो उसकी कॉस्ट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैश पेड टू एक्वायर द एसेट। खरीदेंगे तो खरीदने के लिए, बनाएंगे तो बनाने के लिए, जो हमें उस एसेट के लिए खर्चा देना पड़ेगा वो उसकी कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये जो भी डेफिनेशन बता रहा हूं ना, ये टर्म्स चूंकि एसआईएस में आगे इस्तेमाल होनी है बार बार, तो उनको समझा रहा हूं कि ये क्या है। डेप्रिसिएशन की मैं डेफिनेशन बिल्कुल लिखता हूं अभी, लेकिन इसको समझाने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझिए। डेफिनेशन पे आता हूं, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझाने लगा। बिजनेसेस खर्चे क्यों करते हैं? ठीक है, बेनिफिट्स लेने के लिए। बिजनेस का एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो कुछ एसेट खरीदेगा, उनको इस्तेमाल करेगा। और बिजनेस अगर ट्रेडिंग है तो वो गुड्स खरीद के बेचता होगा। सर्विसेज बिजनेस है तो सर्विसेज रेंडर करता होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो गुड्स बना के बेचता होगा। यानी बिजनेस की मेन एक्टिविटीज होंगी, जैसे कॉलेज है टीचिंग सर्विसेज दे रहा है, कोई जनरल स्टोर है वो चीजें बेच रहा है, गारमेंट्स का स्टोर है चीजें बेच रहा है। तो बिजनेसेस की कोई एक्टिविटीज होती हैं जिससे वो कमा रहा होता है। उन्हीं एक्टिविटीज में जो वो खर्चे कर रहा होता है वो एक्सपेंस, और जो उनसे अर्न कर रहा होता है वो इनकम। ठीक है, ये पढ़ा है ना, जो एक्टिविटीज बिजनेस कर रहा है, ऑपरेशंस जो कर रहा है, उससे जो बिजनेस अर्न कर रहा है वो क्या है? इनकम्स बहुत सारी हो सकती है, और जो उन पर खर्चा कर रहा है एक्सपेंसेस। और इनकम्स और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने के बाद जब वहां से ट्रायल में जाती है, तो फिर ट्रायल से आगे कहां जाती है? इनकम स्टेटमेंट में। और जिस साल की इनकम स्टेटमेंट बन रही है उस साल के एक्सपेंसेस इनकम उस इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे, नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा, और अगले साल फिर उनको दोबारा काउंट कर लेंगे, फिर नए साल की नई इनकम और एक्सपेंसेस। यानी इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होते हैं ताकि उनकी बिजनेस की परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट में शो हो सके। ठीक है यहां तक? मैंने जब क्लोजिंग स्टॉक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था तो कुछ कैलकुलेशंस भी करके बताई थी, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, और उसमें एक बात ये समझाने की कोशिश की थी कि सही प्रॉफिट जानने के लिए सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? सारी परचेजेस, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या कॉन्सेप्ट था कॉस्ट ऑफ सेल्स का? कि जो चीजें, नहीं फार्मूला नहीं पूछ रहा, क्या कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्ट ऑफ सेल, क्या चीज है? कि जो हमने सेल्स की है वो हमें कितने की कॉस्ट की थी, तब सही प्रॉफिट निकलेगा। एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये बात दोबारा, इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होते हैं और वो इनकम स्टेटमेंट फॉर दैट ईयर में रिपोर्ट हो जाते हैं। हर साल के इनकम एक्सपेंसेस हैं जो उस साल की इनकम स्टेटमेंट में शो होंगे। अगले साल वो फिर दोबारा रिपीट होंगे? नहीं। तो इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होते हैं, और प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं। और बिजनेस एक्सपेंसेस यानी बिजनेस खर्चे क्यों करते हैं? ताकि उनसे बेनिफिट मिले। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पूरी एक दुनिया है, तो अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट यह कहता है कि आपने जब खर्चा कर लिया तो उस खर्चे को आप उस पीरियड में एक्सपेंस कहें जिस पीरियड में उससे बेनिफिट मिल रहा है। खर्चे को एक्सपेंस उस पीरियड में कहें, पीरियड मतलब वो जो अकाउंटिंग ईयर था, किसी खर्चे को एक्सपेंस उस पीरियड में माने जब उससे बेनिफिट मिल रहा है। किसी खर्चे को तब एक्सपेंस माने, उस पीरियड में एक्सपेंस माने जब उससे रिलेटेड बेनिफिट मिल रहा है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ताकि वो अपने रिलेटेड बेनिफिट से मैच हो सके। कैसे मैच हो सके? वो खर्चा हुआ होगा, उसका फायदा उठाया होगा, कोई ना कोई रिलेटेड इनकम कमाई होगी, इनकम आ रही है, एक्सपेंस आ रहा है, तो मैच कैसे होगा? उसी पीरियड की इनकम्स, उसी पीरियड के एक्सपेंसेस मैच होंगे तो सही प्रॉफिट निकलेगा ना। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं इनकम्स और एक्सपेंसेस, जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस बताते हैं। और सही प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब उसी साल के एक्सपेंसेस और उसी साल की इनकम्स का आपस में मैच हो। और एक्सपेंस को उस साल में एक्सपेंस कहना चाहिए, खर्चे को, मैचिंग कॉन्सेप्ट यह है कि खर्चे को उस साल में एक्सपेंस कहना चाहिए जिस साल में उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ताकि वो अपने रिलेटेड बेनिफिट से मैच हो सके। मैचिंग कॉन्सेप्ट यह कहता है कि खर्चे को उस पीरियड में एक्सपेंस बनना चाहिए जब उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ताकि वो अपने रिलेटेड बेनिफिट्स,
अपने रिलेटेड इनकम से मैच हो सके। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि खर्चे को एक्सपेंस उस पीरियड में मानना चाहिए जिस पीरियड में उससे बिजनेस को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि खर्चे को एक्सपेंस कब मानना चाहिए, उस पीरियड में जब उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ताकि वो अपने रिलेटेड बेनिफिट्स अपनी रिलेटेड इनकम से मैच हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि खर्चे को एक्सपेंस तब कहना चाहिए जब उस पीरियड में जब उसे बेनिफिट्स मिले बिजनेस, ताकि वो अपने रिलेटेड बेनिफिट से मैच हो सके। एक मशीन खरीदी बिजनेस में 5 लाख की खर्चा किया, अब बिजनेस ने फैसला किया है कि इस मशीन को 4 साल यूज करेंगे। क्या कहेंगे इस 4 साल को? यूजफुल लाइफ। इस मशीन पे हुआ खर्चा कितना? 5 लाख। और इस 5 लाख के खर्चे को बिजनेस ने इस्तेमाल करना है 4 साल। अभी मैं कुछ देर पहले आपसे कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा था लेक्चर के शुरू में ही कि वो खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस है, और जिसका बेनिफिट मिलना है वो ऐसे थे। जब ये मशीन खरीदी तो खरीदते ही एक्सपेंस कह देते, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है। 4 साल जब इस्तेमाल हो जाएगी मशीन, अब ये हमारे लिए कूड़ा है, हम इसको फेंक देंगे। 4 साल बाद इसके बेनिफिट्स पूरे हो चुके होंगे, तो 4th साल एक्सपेंस कह देते हैं। जिन्होंने पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है वो ना बताना। ये मिसाल दोबारा सुने, एक मशीन खरीदी बिजनेस ने 5 लाख की और उसको 4 साल यूज करने का इरादा है, ये 4 साल क्या कहलाएगा? यूजफुल लाइफ। तो मैंने ये कहा कि मशीन खरीदने पे खर्चा हुआ है तो चलो एक्सपेंस कह देते हैं इसको, क्यों ना कहें? क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने। अब ये कॉन्सेप्ट बताया था कि वो खर्चा जिससे बेनिफिट मिल चुका वो एक्सपेंस है, जिससे बेनिफिट मिलना है वो एसेट। कॉन्सेप्चुअली हाँ ये ऐसे ही है। तो फिर इस 5 लाख को खरीदते एक्सपेंस क्यों नहीं कह रहे? तो 4 साल तो बेनिफिट्स मिल जाएंगे ना, तो फिर ऐसा करते हैं कि 4 साल तक इसको एसेट कहते रहेंगे, 4th साल इस 5 लाख को एक्सपेंस कह देंगे। जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है वो चुप रहिएगा, जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी मैं उनसे बात कर रहा हूं। तो ठीक है, ऐसा कर लें कि जब 4 साल पूरे हो जाए और इस मशीन के बस इस्तेमाल कर लिया, बस अब इसको फेंकना ही है, तो वो जो 5 लाख रुपए को एसेट कहा हुआ था अब 4th साल उसको एक्सपेंस कह दे। पढ़ी तो नहीं हुई अकाउंटिंग? सच्ची सच्ची 3 दिन भी नहीं पढ़ी हुई। हाँ मतलब यही पहली दफा है ना, जिंदगी में पहला तजुर्बा ना यहाँ, तो ना कहें 4th साल एक्सपेंस। है 4 साल के बाद कहने में क्या हर्जा है? जिसका जवाब चाहिए पहले। नहीं पैसे तो दे दिए, मैं तो कह रहा हूं कि हम इस खर्चे को पहले एसेट क्यों कह रहे थे? क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट्स मिल रहा था, तो 4 साल में मिल गया ना, मिल गए ना। तो मैं कह रहा हूं कि 4th साल इसको हम एक्सपेंस मान लेते हैं, पहले इस पे एतराज बताइए। नहीं नहीं कूड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल फेंकना है इसको जाके। लेकिन 4 साल पूरे हो गए, अब इसका बेनिफिट पूरा हो गया, तो 4th साल एक्सपेंस कह दें। हाँ तो एक्सपेंस कह देना, 4th साल में एक्सपेंस कहने में क्या हर्ज है? हाँ मैं ये असल में सुनना चाह रहा था, बाकी भी सब मुझे लगता है सही कह रहे होंगे, लेकिन मैं ये चीज सुनना चाह रहा था कि बेनिफिट सिर्फ 4th साल में मिला है, क्या इससे बेनिफिट सिर्फ 4th साल में मिला है? नहीं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा अगर हम सारा का सारा 5 लाख सिर्फ 4th साल में एक्सपेंस बना देंगे। बेनिफिट कब मिल रहा है? हर साल। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का तभी ख्याल पूरा रखा जाएगा जब इस 5 लाख को 4 साल में तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस कहते जाएंगे। कोई तरीका आ रहा है ध्यान में कैसे तोड़े 4 में? हैं? 4 पे डिवाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल एक तरीका है। कितना आ जाएगा? 1.25। ये जो खर्चा था इसको खरीदते ही एक्सपेंस नहीं कहा था क्योंकि बेनिफिट मिलना था, तो इसको हमने एसेट कह दिया,
पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, चार साल बस बेनिफिट पूरा हो गया तो उसको एक्सपेंस कह देते, लेकिन चौथे साल एक्सपेंस कहने का नुकसान यह होता कि यह सिर्फ चौथे साल की इनकम स्टेटमेंट में आ जाता, यह ज्यादती वाली बात है। इससे बेनिफिट सिर्फ चौथे साल में थोड़ी मिले, चारों साल में मिले। तो फिर लॉजिकल तरीका यह हुआ मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि हमें इसको हर साल में थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस कहते रहना चाहिए, और उसका एक मुनासिब तरीका यह बन रहा है कि हर साल 1/25। इस खर्चे में से जो एक टुकड़ा एक साल एक्सपेंस बनाया जा रहा है, इस टुकड़े को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेफिनेशन में लिख के देता हूं, अभी समझ लें। डेप्रिसिएशन वो टुकड़ा है जो एक साल का हम एक्सपेंस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इससे बेनिफिट्स ओवर द पीरियड मिल रहा है, तो फिर इस खर्चे को एक्सपेंस भी ओवर द पीरियड बनना चाहिए। तो वो जो एक पीरियड का खर्चा हम इस का टुकड़ा जो हम एक्सपेंस कहेंगे, एक्सपेंस मानेंगे, और कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट भी करेंगे, उसकी एंट्री भी कराऊंगा, होगी कोई ना कोई एंट्री, तो वो जो एक साल का टुकड़ा है वो डेप्रिसिएशन है। तो और आपको मतलब आपका क्या ख्याल है इसके अलावा और क्या होता? नहीं, साल साल साल। क्यों साल? क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड हम साल रख रहे होते हैं ना, तो इनकम स्टेटमेंट साल की बना रहे होते हैं, इसलिए मैं साल कह रहा हूं। क्या कहते हैं उस साल को? अकाउंटिंग। ठीक है, शाबाश। मेरे को हाथ उठा नजर आया था शायद मुझे। जी यार, मैं बड़ा इंतजार करता था आपके सवालों का, बड़ा अरसा। बोलो। चलो, मैंने अभी इस वक्त इस मिसाल में कहा है कि ये चार साल बाद बिल्कुल पूरा होगा। किसको चेंज करेंगे? हाँ जी, ठीक है। तो वो जो नई खरीदेंगे वो नई होगी। मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि ये चार साल बाद पूरा है, फेंकना है इसको। जो खर्चा हम कर चुके, हमने उस खर्चे के साथ देखना है क्या शुरू करना है, उस खर्चे के साथ देखना है कि क्या शुरू करना है आइंदा जिंदगी में। जो खर्चे करेंगे कल को उनका क्या करें, वो जब होगा तो देखेंगे। हम अकाउंटिंग उस खर्चे की करने लगे हैं जो हुआ है, जो हो रहा है। अकाउंटिंग उस चीज की होती है जो हो रही होती है। अकाउंटिंग जो अगले 15-20 साल बाद करने का प्लान है, उसकी नहीं अकाउंटिंग हो रही होती है। अकाउंटिंग उन चीजों की होती है जो हो रहा है काम। तो 5 लाख का खर्चा हो गया, अब उसके बाद जो नया एसेट खरीदना होगा उसको सोच सोच के अभी नहीं टेंशन लेंगे हम, उसकी अकाउंटिंग भी कुछ नहीं होगी। जो खर्चा हुआ है उसकी अकाउंटिंग। तो बात हो रही है इस हो चुके 5 लाख के, क्या करना है? तो वो हर साल उसको एक्सपेंस बनाना है। तो वो जो एक साल का टुकड़ा एक्सपेंस है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन, समझ आई बात? इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? रेजिडुअल वैल्यू के एंड पे अंदाजन कितने का बिक जाएगा। 5 लाख का एसेट है, 5 लाख का एसेट है, और हमारा अंदाजा है कि 4 साल के बाद ये 40,000 का तो बिक ही जाएगा। ये हमारा अंदाजा है। तो ये जो 5 लाख का खर्चा है, 4 साल बाद भी इतना बेनिफिट देने की पोजीशन में होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल में कितने का बेनिफिट मिल गया। ये बात दोबारा सुने। खर्चा 5 लाख किया। इससे जस्ट पहले जो मैंने मिसाल दी थी, जो यहां लिखी भी हुई है, उसमें मैंने कहा था कि एंड पे ये बिल्कुल कूड़ा है, कबाड़ है बस। तो पूरा 5 लाख बस फायदा दे गया। अब मैंने मिसाल थोड़ी सी चेंज की कि ये 4 साल बाद बिक सकता होगा, और मैंने कहा 40,000 का बिक जाएगा। तो 5 लाख का खर्चा 4 साल गुजरने के बाद भी स्टिल इतना बेनिफिट दे सकता होगा। तो कितना बेनिफिट दे गया? 4,60। तो अब हम 4 साल पे किसको एक्सपेंस बनाए? 5 लाखों के 4,60 को। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। यानी ये यहां जाएगा, डेप्रिसिएशन होती है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या लग रहा है नाम से? डेप्रिशिएबल, जिसको हमने डेप्रिशिएट कर देना है, यानी इस मिसाल में 4,60। सिस्टमैटिक एलोकेशन किसी तरीके से, तो हमने कोई तरीका ही लगाया। क्या तरीका लगाया? नहीं, इस 4,60 को बांटने का क्या तरीका लगाया?
चार में डिवाइड कर दिया, तो ये तरीका था सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ 460,000 रुपए एक एसेट की ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो उस एक टुकड़े को डेप्रिसिएशन कहते हैं। नहीं, ये ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं, डिक्रीज और वजहों से भी हो सकती है जी। अच्छा, ये जो चार साल है दरमियान में, हर साल की अलग अलग इनकम स्टेटमेंट है, हर साल की अलग अलग अकाउंटिंग हो रही है, तो क्या अकाउंटेंट पहले साल अकाउंटिंग करते हुए इस चीज का अंदाजा लगा ले, या चार साल इंतजार करे, चार साल गुजरेंगे तो देखे एक्चुअली कितने का बिका गया, फिर टाइम मशीन में बैठे फिर पीछे चला जाए फिर साल की अकाउंटिंग करे, क्या करे? अंदाजा लगाएगा ना। तो इसीलिए रेजिडुअल वैल्यू आपको क्या बताई थी? अंदाजा। तो ये अंदाजों की बेस पे चल रहा होता है। बाद में चल के अगर अंदाजे चेंज हो जाए तो क्या होगा, वो अभी इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ना है हमने कि अंदाजे चेंज हो गए तो क्या होगा। अल्लाह ख्याल करे। फिर अभी लगी है, बाद में कुछ अर्सा बाद ना पढ़ेंगे, आग भी लगाएंगे, चोरी डकैती भी करा देंगे, जल्दला सब सब पढ़ेंगे इसमें, एस्टीमेट चेंज बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर। ये नोटेड। और अभी ये बात जो यहां बताई, कैसे बना 460? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, अभी ये कॉस्ट है इस चैप्टर में, आप देखेंगे आगे टॉपिक्स में चल के ना, बाजुकात हम इसकी जगह कुछ और ले आएंगे। तो मैंने अभी शुरू शुरू में कॉस्ट लिखा है, लेकिन अगले कुछ लेक्चर्स में कुछ हालात में इसको बदला भी जा सकता है। अभी फिलहाल शुरू में कॉस्ट काफी है कि कॉस्ट माइनस आरवी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो सारे एसेट्स जो नॉन करंट हैं, टेंजिबल हैं, बिजनेस उनको यूज कर रहा है, या तो उनको इस्तेमाल कर रहा है गुड्स सर्विसेज बनाने में या सप्लाई करने में, या दूसरों को किराए पे दे रहा है, या खुद ऑफिस यूज कर रहा है, ये सब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैं, जिनकी मिसालें थी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, ये सब के सब क्लासेस हैं पीपीई की। इनके हवाले से कुछ और टर्म्स भी जानी, यूजफुल लाइफ थी वो अंदाजा, टाइम पीरियड भी हो सकता है, उसकी यूजेज भी हो सकती है कि इसको हम कितना अरसा यूज करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू वो अंदाजा कि यूजफुल लाइफ के एंड पे कितने का बिक जाएगा, और ये अंदाजा अभी ही लगाना क्यों जरूरी है, देख लेते चार साल गुजरने के बाद क्यों लगा रहे हैं अंदाजा, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी, पहले साल अकाउंटिंग करनी थी, दूसरे साल अकाउंटिंग करनी थी, इसलिए ये अंदाजे लगाने पड़ रहे हैं, और चार पे डिवाइड किया क्यों, तो इसका मतलब हमें यह भी अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कितने साल यूज करना है, तो इसीलिए हम ये शुरू में ही अंदाजे लगा रहे होते हैं यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू। और कॉस्ट क्या है, जितना हमें उस एसेट को एक्वायर करने में खर्चा पड़ा, ये कॉस्ट है। ये अब तक जो सारी टर्म्स सिखाई हैं, ये अभी तक समझ आ रही बात? कोई एकदम से बहुत एफआर वन अप्रोच से बाहर तो नहीं निकल गई बात? साथ है ना? अच्छा, अपने लिए भी पूछ रहा हूं ताकि मैं बाकी सब्जेक्ट प्लान करूं और आपके भी जहन में आ जाए, ये पॉसिबल होगा ईद के बाद कि हम इतवार की बजाय वीक डेज में ही हफ्ते, पूरी बात सुन ले, हफ्ते में एक या जरूरत के तहत दो दिन कुछ तीन ऑनवर्ड क्लास रखें? क्योंकि मेरी क्लासेस 2:30 बजे खत्म होती है, पहले मुसलसल क्लासे हैं, तीन पीएम के बाद। जुल्म है, जुल्म। अच्छा चलो है, अच्छा देखें, नहीं ऑनलाइन का नहीं हो सकता,
मैं बता रहा हूँ और अगर आपको ये लगता है कि जो जुल्म हो रहा है और हाय हम क्या करें हमें और भी काम है तो छोड़ दें ये मर जाए जाकर. अगर करना है तो फिर करना है. तो इसलिए मुझे ज्यादा फिजिबल यही लग रहा है कि वीक डेज में ही 3 बजे का अंदर टास्क. तो जो भी फाइनल प्लान होगा फिर वो आपको कम्युनिकेट हो जाएगा. जी क्या जी ऐसे ही गपशप किया करेंगे बस और. अच्छा ये जो एक्स्ट्रा क्लास होगी ना ये एक्स्ट्रा नहीं होगी. ये एक्स्ट्रा नहीं होगी. जो सुबह पढ़ा होगा उसी से आगे उस एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे और उसी से आगे अगले दिन सुबह पढ़ेंगे. तो ये एक्स्ट्रा नहीं होगी. ये उसी रूटीन की क्लासेस होंगी. डबल क्लासेस कह लिए आप हो रही होंगी. वेस्ट वीक डेज में करूंगा. वीक डेज में. रेकग्निशन रेकग्निशन नहीं. डेफिनेशंस बस पूरी कर दी मैंने. डेफिनेशन नहीं है ये. आइए 16 पढ़ा रहा हूं. प्रॉपर्टी प्लान डेवलपमेंट उसमें बहुत सारा कुछ है और जो जो कुछ है वो सब अपनी अपनी हेडिंग्स के साथ आता जाएगा. पहले मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई थी. डेफिनेशंस हो गई पूरी. जितने की जरूरत थी मुझे वो काफी हैं. वो कर गई. अब डेफिनेशंस मैंने क्लोज कर दी. अब हम चैप्टर में आगे चलने लगे हैं और एक हेडिंग दी है मैंने रेकग्निशन. इसमें कुछ अंग्रेजी लिखूंगा जो समझाऊंगा तो सही लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि वह आपने याद भी करनी है और बाद अवकात सवालों में डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है तो वो लिखने के नियत से भी याद करनी है. या अंग्रेजी कुछ लिखूंगा समझाऊंगा भी वो बात लेकिन ज्यादा जरूरी है कि आप उसको याद भी करें. वैसे तो जो कुछ लिखवा रहा हूं सब याद ही करना है. अकाउंटिंग भी याद ही करनी होती है. रूल्स याद ही रखने होते हैं तो आपको याद करना पड़ता है. रेकग्निशन से मुराद ये है कि मैं इस वक्त यहां ये डिस्कस करने लगा हूं कि ये जो हम लोग पीपी में पढ़ रहे हैं क्लासेस इनको जब खरीद लेंगे या बना रहे होंगे तो इनको एसेट क्यों कब और कैसे मानना है. ये मतलब होता है रेकग्निशन का. तो रेकग्निशन के अंदर यही सारी डिस्कशन होगी. जैसे जैसे होगी तो आपका आइडिया हो जाएगा क्या डिस्कशन हो रही है. लेकिन जनरली जितने भी हम आईएएस पढ़ेंगे उनमें चार चीजें होती हैं. चार मेन हेडिंग्स होती हैं. डेफिनेशंस होती हैं. जबानी सुन ले. डेफिनेशंस होती हैं उस स्टैंडर्ड में जिस चीज के बारे में स्टैंडर्ड लिखा गया है उसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो क्या क्या है. रेकग्निशन होती है कि जिस चीज के बारे में आईएएस लिखा गया है उसको कब कैसे रिकॉर्ड करना है. मेजरमेंट होती है कि किस वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करनी है. और डिस्क्लोजर्स होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनके बारे में क्या क्या दुनिया वालों को बताना है. किसी भी स्टैंडर्ड में ये चार मेन बातें होती हैं. डेफिनेशन जो टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या है. रेकग्निशन कि जिस टॉपिक का आईएएस है उसकी अकाउंटिंग कब और कैसे करनी है. मेजरमेंट वैल्यूज क्या रखनी है. और डिस्क्लोजर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनके बारे में क्या क्या बताया जाएगा. तकरीबन हर आईएएस में ये चारों चीजें होती हैं. तो डेफिनेशन बता दी और अब मैं आपको रेकग्निशन बताने लगा हूं. पीपीई की जितनी लिस्ट में हमने चीजें पढ़ी यानी फर्नीचर खरीद रहे हैं गाड़ी खरीद रहे हैं
मशीन खरीद रहे हैं तो उसको एसेट मान लेंगे, रिकॉग्नाइज पहचान लेंगे, यानी एसेट डेबिट कर देंगे अगर अगर के बाद दो बातें हैं, ये दोनों पूरी होंगी तो फिर इसको एसेट माना जाएगा. इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स associated with the item will flow to the entity. It is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity. And cost of the item can be measured reliably. Noted? चले समझ लें. बेनिफिट्स फायदे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुआशी फायदे, यानी पैसों में इकोनॉमिक चीज है जो भी चीज मेजरेबल है पैसों में. फ्यूचर, फ्यूचर एक बिजनेस ने एक मशीन खरीदी और इरादा था कि इससे प्रोडक्शन करनी है. बाहर गए हुए थे सेठ साहब विजिट पे यूरोप और वहां से एक मशीन अच्छी लगी और वो खरीद के ले आए. 15 लाख रुपए की मशीन खरीद ली. तो चूंकि वो 15 लाख रुपए की मशीन खरीद लाए और मशीन एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है, तो उस 15 लाख को एसेट कहने से पहले स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आप ये शर्तें पूरी कर लें कि ये हो रही है कि नहीं. जो मशीन खरीदी है उसको एसेट मानेंगे अगर ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं. तो पहली बात, मशीन ले आए और टेक्निकल लोगों ने कहा जी मशीन बड़ी अच्छी है, उससे हम बिल्कुल अच्छी प्रोडक्शन करेंगे, चीजें बेचेंगे और से हमें फायदा होगा. पहला पॉइंट, इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब तकरीबन कंफर्म कि इस मशीन को यूज करके जो बेनिफिट्स होंगे वो एंटिटी को मिलेंगे. पहले पॉइंट का मतलब है कि अगर तकरीबन कंफर्म है कि इससे बेनिफिट्स मिलेंगे, और पॉइंट टू कॉस्ट भी पता है. तो इस मिसाल में कॉस्ट कितनी, 15 लाख. तो अगर बेनिफिट्स मिलने की भी काफी उम्मीद है और खर्चा पता है, फिर मानना एसेट, फिर एसेट रिकॉर्ड करना. अच्छा, ये इतनी ये तो क्लियर ही था, फिर इस पे लिखने की क्या जरूरत थी. चले अब आपको वो मिसालें भी देता हूं कि जिसमें ये हो सकता है ना पूरे हो रहे हो. सेठ साहब मशीन खरीद लाए, खरीदने के बाद जब यहां आकर टेक्निकल लोगों ने उसकी असेसमेंट की तो उन्होंने कहा कि सर ये तो आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए तो है ही नहीं. यहां जो वेदर कंडीशन है, यहां जो ह्यूमिड की कंडीशन होती है, उनमें ये मशीन नहीं चलती. आप ले तो आए हैं, बड़े हैं आप, लेकिन ये आप बोंगी मार के आए. तो अब हमें इस मशीन से बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद है, नहीं. तो चूंकि सेठ साहब मशीन लाए हैं तो बस इखलाकन ही उसको एसेट मान लें, नहीं, एसेट नहीं मानना, गए वो पैसे बर्बाद. तो इस पॉइंट की वजह से उस मशीन को अब हम एसेट नहीं मान सकेंगे. तो ये मकसद है आईएस का, ये पॉइंट लिखने का, कि आप जब किसी भी चीज को अपने वालों खरीद के लाएं कि एसेट है, तो देखें ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर कर रहा है तो उसको एसेट माने, वरना गए पैसे वो आपके, फिर एक्सपेंस है. दूसरा पॉइंट, ये तो पूरा होता ही होगा. दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये तो पूरा हो ही जाता होगा, नहीं, हो सकता है ये भी पूरा ना हो. इसकी भी मिसाल समझ ले.
एक दोस्त था वो मशीनें बाहर से इम्पोर्ट करके दिया करता था, यूज्ड मशीनें होती थी, तो उससे हमने एक मशीन खरीदी और उसके चूंकि ताल्लुकात एक्साइज वगैरह में अच्छे थे तो होता यह था कि जब मशीन वो खरीद लेता था तो उसको फिर वो क्लियर करवाता था, उसके ऊपर कुछ टैक्सेस ड्यूटीज गवर्नमेंट को देता था और वो काफी हैवी होते थे। हमने उससे मशीन अभी अभी उसके पास इंपोर्ट होकर पहुंची थी और हमने कहा जी चाहिए मशीन, उसने कहा ले जा यार ले जाओ, कॉस्ट कर लेंगे बाद में कर लेंगे, अभी मैं इसका पहले केस बना के एक्साइज वालों को दूंगा, वो उसकी ड्यूटीज बनाएंगे, फिर पता चलेगा जितनी ड्यूटीज है वो तुम्हें बता दूंगा, तुम वो दे देना, अभी तुम ले जाओ इस्तेमाल करो। तो हम मशीन तो ले आए लेकिन हमें पता है वो हमें कितना कॉस्ट कर रही है, नहीं अंदाजा भी नहीं लग पा रहा क्योंकि यूज मशीनें होती हैं, कभी दाव लग जाता है, कम ड्यूटीज पड़ जाती हैं, कभी ज्यादा पड़ जाती है, हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो मशीन ले आए, अच्छी मशीन है लेकिन हमें उसकी कॉस्ट अभी पता नहीं चल रही, तो उसको एसेट नहीं बनाएंगे। ये दो पॉइंट्स का मतलब है कि ये जो लिस्ट थी पीपीई की, उसमें से अगर आप कुछ खरीद भी लाए और उसको एसेट डेबिट करने लगे तो ठहरे, पहले ये कंडीशन देख लें, इसको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी कहते हैं। अच्छा, स्टूडेंट का क्या काम होगा? एक तो स्टूडेंट ने याद करना है, हो सकता है एग्जाम क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए डिस्कस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो आप ये उगल देंगे पेज के ऊपर कि आपने याद किया होगा। तो एक तो ये याद करना है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चांस है कि न्यूमेरिकल सवाल में उसको ये रूल लगाने पड़ रहे होंगे, नहीं बहुत कम चांस है, न्यूमेरिकल सवालों में नहीं ये करना पड़ रहा होता, तो ये याद कर लें, ये थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। समझा मैंने आपको दिया नॉलेज के लिए कि इसका मतलब क्या है, मेन मकसद स्टूडेंट से मेरा इसमें है कि आपको याद कर लें। तो आईएस 16 का ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है जी। नहीं जा सकते दोबारा वो, क्योंकि वापस लेके जाएंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगी, वो नहीं अलाउड, उनको यही फेंकनी पड़ेगी, तो इसके कोई बेनिफिट नहीं मिल सकते। हमें वो फ्री मिल गई ना मशीन, तो हमें उसकी कॉस्ट ही नहीं पड़ी, जीरो एसेट होगा, लेकिन अभी आगे जाके उसकी मेजरमेंट में बात करेंगे, जीरो एसेट होगा, वो जीरो चूंगे में होगा, उसकी कोई एंट्री भी नहीं होगी, जीरो होगा वो, क्योंकि हमें कॉस्ट ही नहीं पड़ी इसकी। हाँ जी, यहां तक नोटेड। अच्छा, अब ना मैं आपको रिकॉग्निशन की ही हेडिंग में हूं, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जो अभी कुछ ज्यादा हम डिटेल से नहीं समझ सकेंगे क्योंकि इनका आगे जब सवालों में इस्तेमाल होगा तो समझाऊंगा, है चूंकि यहां से रेलिवेंट इसलिए लिखवा भी रहा हूं, समझाऊंगा बाद में जब इनका इस्तेमाल करूंगा। तो आप रिकॉग्निशन की हेडिंग में ही है तो आप कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं, रिकॉग्निशन की हेडिंग में ही हो छोटा सा लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आगे फिर एक दो बातें लिख लें। नंबर वन लिखें, कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन shall be capitalized and depreciated separately over inspection period. इस पॉइंट का मतलब समझ लें, ये थोड़ा सा समझा सकता हूं इसलिए ये भी बता देता हूं। इंस्पेक्शन किसी भी एसेट की क्या मुराद है? चेकअप करना, चेकिंग होना। अच्छा, आप साइकिल पे जा रहे हैं और उसके जो चेन है वो उतनी को ठीक नहीं है, फंस के चल रही है, तो आपको रस्ते में मुश्किल हुई तो आप साइकिल से उतर के उसको साइड में कर सकते हैं और देख लें जो खराबी है कर लें। हवाई जहाज में जा रहे हैं और उसमें कोई खराबी है तो साइड पे लगा के उसकी खराबी नहीं देख सकते, तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए छोटी छोटी खराबियों से भी बचने के लिए उसकी बहुत डिटेल इंस्पेक्शन की जाती है। तो जो जो मशीनरीज ऐसी होती हैं जिनमें बहुत फैटल एक्सीडेंट का रिस्क होता है, तो कोई ना कोई अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की जो इस बात को इंश्योर करे कि वो मशीन ठीक चले। जैसे अब तो खैर रिवाज नहीं है, कई साल पहले रिवाज होता था गाड़ियों में सीएनजी किट्स होती थी, वैगन्स के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर होती थी, तो उनमें चूंकि खराबी का मतलब है कि धमाका हो जाना और एक्सीडेंट हो जाना, तो गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती होती थी
ये जो किट्स लगी हुई हैं इनकी इंस्पेक्शन होती रहनी चाहिए, लेट से हर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, ये आपने चेकअप कराते रहना है और फलानी जगह से कराना है और उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो बहुत हैवी किस्म की मशीनरीज जिनमें अगर धमाका होगा तो पूरा एरिया ही जाएगा, तो उसके लिए भी कोई ना कोई अथॉरिटी होगी जो इस चीज को इंश्योर करती होगी कि वो मशीन ठीक हो। अच्छा, अब जो बड़ी हैवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की होती है तो वो फिर चेक भी तो किसी पंक्चर वाले से नहीं करा सकते ना, उनके चेकअप के लिए भी कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी टेक्निकल टीम होती होगी, पैसे लेते होंगे, अच्छा खासा खर्चा होता होगा। तो जो भी अथॉरिटी ये शर्त लगा रही है तो वो ये भी नहीं कहती होगी कि हर 2 महीने बाद चेक कराएं, हो सकता है 4-5 साल का टाइम देते हो। इन हैवी मशीनरीज, बड़ी बड़ी मशीनरीज के ऊपर बड़ा बड़ा इंस्पेक्शन के खर्चे को कहते हैं मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये अंग्रेजी लिखा है। और इसकी मिसाल कुछ ऐसे कि हमने एक यूज्ड मशीन खरीदी और वो हमने खरीदी 600 मिलियन की और 20 साल इसकी लाइफ सोच ली, क्योंकि यूज थी तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसको पहले फलानी कंपनी से इंस्पेक्ट करवाएं, उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब फलानी कंपनी से इंस्पेक्शन करवाई तो उन्होंने इंस्पेक्शन के 10 मिलियन रुपए लिए और गवर्नमेंट ने कहा कि आपने हर 5 साल के बाद इंस्पेक्शन करवानी है, हर 5 साल के बाद इंस्पेक्शन करवानी है लाजमी। ये जो अभी अंग्रेजी लिखवाई इसका मतलब यह है कि हम इस मशीन की कॉस्ट 600 की बजाय 610 मानेंगे, ये मतलब है इस अंग्रेजी का कि हाँ जी 600 नहीं 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 अभी कितना हुआ है 10। अकाउंटिंग उस खर्चे की होती है जो हुआ है, हमने जो अगले 150-200 साल में जितनी चीजें खरीदनी है वो आज नहीं रिकॉर्ड होंगी, जो खर्च हो रहा है उसकी अकाउंटिंग होनी होती है। तो इस प्लांट की मशीन के ऊपर ये जो इंस्पेक्शन का खर्चा हुआ इसको इसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया, इसको कहते हैं इस खर्चे को कैपिटलाइज कर देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी नॉन करंट एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो इसलिए टर्म इस्तेमाल होती है कि फलाना खर्चा कैपिटलाइज कर दिया, यानी एक एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, ये है इस अंग्रेजी का मतलब कि कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन शैल बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, अब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, और अभी एक डेप्रिसिएशन का तरीका आपने जबानी बना लिया था, पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, 610 को 20 पे डिवाइड कर देंगे, नहीं, डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट होगी कि 610 में से 600 को 20 पे डिवाइड करेंगे और 10 को 5 पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि आपने हर 5 साल के बाद इंस्पेक्शन करानी है, तो इसकी जिंदगी कितनी 5 साल, मशीन की जिंदगी कितनी 20, तो इसमें से इसको 20 पे और इसको 5 पे डेप्रिशिएट करेंगे, ये है जो अंग्रेजी लिखाई है इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा एंड शैल बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली ओवर इंस्पेक्शन पीरियड। ये इस पॉइंट की मिसाल लेता है मैं। अब उसके बाद जब दोबारा इंस्पेक्शन होगी तो क्या होगा, ये अभी अगले पॉइंट के जैसा होगा जो अगला पॉइंट लिखाऊंगा। अगला पॉइंट लिखें, हो गया एक सेकंड, अगला पॉइंट लिखें, कर ले नोट कर ले।
अच्छा, अगला पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ ना, ये अभी बिल्कुल नहीं समझा रहा, क्योंकि इसका एक दूसरा हिस्सा कराऊंगा आगे चल के। हाँ जी आगे कुछ कहना है? टेस्ट का बता दिया था। ये जो अगला पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये अभी आधा है। इसका जब दूसरा हिस्सा आएगा, वो आगे एक और हेडिंग में जाके आएगा, तब ये दोनों हिस्से मिला के समझाऊंगा। और जब वो दूसरा हिस्सा समझा दूंगा, तो यहां से रिलेटेड कुछ बच्चों का सवाल ये बन रहा है कि जब अगली इंस्पेक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जब अगली बार इंस्पेक्शन करवाएंगे तो उस 10 मिलियन अगले का क्या करेंगे। तो इसका जवाब भी वहीं आएगा जब मैं इस दूसरे पॉइंट को पूरा कर दूंगा। तो इसका जवाब भी बाद में, और जो दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं वो अभी आधा है, लिख लें बस। कॉस्ट ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट शैल बी कैपिटलाइज्ड, शैल बी कैपिटलाइज्ड। जितना लिखा उसका मतलब क्या समझ आ रहा है? कि जो पार्ट्स रिप्लेस होंगे बड़े हैवी किस्म के, उनकी कॉस्ट कैपिटलाइज मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। और इसको सवाल की शक्ल में हम तब करेंगे जब मैं इसका दूसरा हिस्सा अगली किसी हेडिंग में पूरा कराऊंगा। तो अभी इसको बस यही लिखा छोड़ दें, रिकग्निशन की हेडिंग हो गई पूरी। अच्छा, अगली हेडिंग पे चलेंगे अगली क्लास में। उससे पहले एक और बात सुन लीजिए, मैंने 12 क्लासें इंतजार किया इस बात का। जो लोग मेरे बारे में पहले कुछ जानते हैं, जिन्होंने पहले मुझसे कोई और पेपर पढ़ा है, वैसे तो उम्मीद नहीं है, देखे भी नहीं लगनी शक्लें, तो वो उनको भी अंदाजा होगा मैं बहरहाल को 10-12-15 क्लासेस लेता हूँ। ये यकीन आ जाए पहले कि मैं अकाउंटिंग ही पढ़ा रहा हूँ, आप यकीन कर लें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हूँ, अकाउंटिंग ही पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें समझा भी रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी पहुँचा रहा हूँ, और कोर्स पूरा कराने की भी फिक्र वैसे ही मौजूद है, बल्कि आपसे ज़्यादा फिक्र मुझे है। और फ्रिक्वेंसी मैच होने लग जाए और आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा कोई अकीदत मोहब्बत का जज्बा हो जाए, तो अगर बनना होता तो वो 10-12 क्लासेस में थोड़ा बहुत स्टैब्लिश हो गया होता। चले, अब मैं बात करता हूं जो आप शायद अब मेरी बात अगर समझें। आप लोग एवरेज कोई 19 साल की उम्रें हैं, आप लोगों की 18-19-20 साल ही आप लोगों की उम्रें हैं, और कोई एक साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज 19-20 साल के लोग हैं आप। और आपके कुछ कजन्स या शायद कुछ स्कूल फेलो, या अगर आप किसी गांव से हैं या बहुत ही फाइनेंशली एक बैकवर्ड एरिया से हैं और आप फाइनली किसी तरह यहां पहुंच पाए हैं, तो आपके कुछ महल्लेदार, गांव के दोस्त, कजन्स, कुछ पुराने स्कूल फेलोज ऐसे होंगे जो अभी इस एज में, जिस एज में आप हैं, आवारा गर्दियों में होंगे और फजूलियात में पड़े होंगे, और बकौल उनके वो जिंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। और अच्छा, बात मैं सीरियस कर रहा हूं, तो अभी इसको आप शुगल में मत लेके जाइए। एक आंसर सुनकर दूसरे से निकालना हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अभी एटलीस्ट मैं बात संजीदा कर रहा हूं। तो आपको वो लग रहे होंगे कि बेवकूफ हैं, और आपको वो बेवकूफ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप अभी इस वक्त अपनी जवानी का जो टाइम है, और आप उस जवानी के टाइम को तकरीबन 5-6 साल इस सीए की फील्ड में लगाने को तैयार हैं, और ये 5-6 साल कम अज कम है, इसके बढ़ भी जाते हैं। और ये जो 6 साल हैं, ये आपकी जिंदगी के किसी और 6 साल से बहुत डिफरेंट हैं, ये आपकी जवानी के 6 साल हैं। और इंसान की जिंदगी में जो भी अगर एवरेज 60-65 साल की जिंदगी लगा ले, तो उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, फिजिकली बेहतर 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 डाउन 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 शुरू हो जाएगा, सीखने के हिसाब से उसकी मेमोरी शुरू में ज्यादा होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर उसकी जो अकल है, समझदारी है, वो बढ़नी शुरू होगी, फिर देर में जाके डाउन होगी। आप अपनी जिंदगी के बहुत सारी क्वालिटीज के तकरीबन मैक्सिमम तक पहुंचे हुए हैं, एटलीस्ट एनर्जीज में आप मैक्सिमम पे पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आपकी एज में जो एनर्जीज हैं, ये एक अलग बात है कि आपकी खुराकों की वजह से या और सुस्तियों की वजह से वो एनर्जी अभी किसी काबिल ना हो, लेकिन इंसान के लिहाज से, इंसान का जो टाइम स्पैन है, उसमें इस एज में आप एनर्जीज के टॉप पे हैं। आप उसमें अपनी जिंदगी के 6 साल, उस जवानी के पीरियड के 6 साल सीए में लगा रहे हैं, और आपके वो दोस्त, वो कोलीग्स, वो रिश्तेदार जो आप ही के एज फैलो के शायद बचपन के साथी थे, वो इस वक्त आवारा गर्दियों में हैं और
उनको लगता है कि वो मजा कर रहे हैं जिंदगी में और इस जवानी को एंजॉय कर रहे हैं. और जरूरी नहीं होता कि मैं जो ये मजे या एंजॉय की बात कर रहा हूँ इसमें मेरी बुरा कोई हराम काम ही है. अगर वो सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते हैं या और किसी एक्टिविटीज में रहते हैं तो उनको लगता होगा कि यही तो उम्र है खेलने की, उसके बाद तो जिंदगी में मसरूफियात बढ़ जाएंगी. आप लोगों को वो बेवकूफ लग रहे होंगे क्योंकि आप अपनी जिंदगी से संजीदा हैं और आप अपनी जवानी में 5-6 साल मेहनत करने को तैयार हो गए हैं. क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि आपको जो उसके बाद की जिंदगी है वो अच्छी बनती नजर आ रही है. ये अलग बात है कि अच्छी जिंदगी से क्या मुराद है, लेकिन आम एतबार से फैसिलिटी ज्यादा हो, खाने पीने की कमी ना हो, रिहाइश अच्छी हो, कपड़ा, सवारी, सुकून, बाकी फैसिलिटीज, एसी हो, ये चीजें हैं जिंदगी की फैसिलिटीज. जिसके पास ये होंगी, मुआशरे में इज्जत हो, लोग अच्छे तरीके से बात कर लेते हो, इनको समझा जाता है कि हाँ ये अच्छी जिंदगी है और सीए के करियर में हाँ ये चीजें मिल जाती हैं. तो आपको ये चीजें चूंकि मिलती नजर आ रही हैं, अभी मिली नहीं है लेकिन आपको मिलती नजर आ रही हैं, तो आप उसके लिए 6 साल जवानी के इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अपने आप को इस बात पे अकलमंद समझ रहे हैं उन लोगों के मुकाबले में जो खेल कूद के जिंदगी गुजार रहे हैं. और आप उनको वाकई बेवकूफ समझते हैं, उस पर तर्स भी खाते होंगे, यार इसको क्या, इसको समझ ही नहीं आ रही कि इसके साथ क्या होगा कल को. आपको अपने अकलमंद समझ रहे हैं क्योंकि और अकलमंद है, यानी मैं आपकी आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कर रहे हैं. आप अपनी जवानी के 6 साल अपना अगला करियर बनाने के लिए एक फिक्र के साथ, परेशानी के साथ आप उसमें मेहनत करने को तैयार हैं. देखिए सुबह सुबह क्लासेस के लिए आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से शहर से कोई आया है, गंदे हॉस्टल्स में रह रहा है आके, पता नहीं खाने का क्या इंतजाम हो रहा है, सारा सारा दिन क्लासेस में बैठे रहते हैं, संडे को क्लासेस पढ़ने को तैयार हो गए आप लोग, रोज के लिए आप 3-3, 5-5 बजे भी क्लास पढ़ने को तैयार हो रहे हैं. ये सब आप मेहनत करने को तैयार है, आप कर रहे हैं मेहनत. क्यों? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि वो जो अगली जिंदगी है वो आप अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे. कितनी देर है तकरीबन एवरेज एज? 60 है ना, उसके बाद तो बीमारियां और दवाइयां और चिड़चिड़ा इंसान, यही है उसके बाद. तो प्रैक्टिकल लाइफ भी जो है वो 55-60 तक ही है, अनलेस कि वो अपना कारोबार कर रहे हैं जिसमें आप 75 साल के भी बिजनेस ही किए जा रहे हैं, वरना नॉर्मली वर्किंग लाइफ बस 60 साल तक होती है. आपकी अभी एज अगर 20 साल है और आप सीए आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपको तकरीबन 25-26 साल की उम्र चाहिए किसी जगह पहुंचने के लिए. और आप ये 25 साल में पिछले भी 7 मिला लें, वो भी तो पढ़ाई में गुजर रहे हैं ना, तो आप अपनी जिंदगी का 25 साल खर्च कर रहे हैं कि अगले कितने 25 साल अच्छे गुजर जाए. चलो 35 कर लो, ठीक है, अकलमंदी है. अगर आपको यह कहा जाता कि आप सीए करें 6 साल लगा के और आपको बस जिंदगी में सिर्फ एक दफा 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलेगी, उसके बाद मजदूरी जिसे करनी हो कर लेना, उसके बाद जो मर्जी करे, सीए का रिवॉर्ड सिर्फ 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब है बस, फिर करते सीए नहीं, 6 साल सिर्फ 2 साल के रिवॉर्ड के लिए नहीं, बेवकूफी है. तो 6 साल की मेहनत अगले 36 साल गुजारने के लिए, ठीक है, 6 टाइम्स अच्छी बात है, बुरा नहीं है, रीजनेबल है. तो आप अभी जो वक्त मिला है, जो एनर्जी मिली है, जो आपको रिसोर्सेज मिले हैं, आप अपने उन गुमराह दोस्तों कजन्स की तरह जाया नहीं कर रहे कि उनको वक्त की कदर नहीं है, आपको है. आप पढ़ने आ गए, बहुत सारी एक्टिविटीज छोड़ के आ गए, मैं फिर कह रहा हूं एंजॉयमेंट मजा सिर्फ हराम नहीं है, हलाल काम बहुत सारे हैं. आप वो सब छोड़ के भी यहां पहुंचे हैं और आप में से मेजोरिटी, मैं अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं, मेजोरिटी आप में से वो होंगे अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके 24 घंटे की जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई है. सीए में आके आप अपना टाइम टेबल सारा देख लें, सोने के अलावा पढ़ाई ही कर रहे हैं सिर्फ. आप ये सब क्यों करने को तैयार हो गए? क्योंकि अगले 30-35 साल अच्छे गुजर जाएंगे. आप उस अच्छे गुजर जाएंगे की उम्मीद में 6 साल बहुत डेडिकेटेड गुजार रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं. कंफर्म है कि सीए करियर अगले 8-10 साल में अच्छा रहेगा? क्या पता कोई जंगे लग जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और उसे इकोनॉमी की शक्ल बिगड़ के रह जाए और सारी इकोनॉमी जो है वो खेती बाड़ी पर शिफ्ट हो जाए, हर एक को अपने शहर, शहर के शहर खत्म हो जाए, हो सकता है. और ये नहीं हो, ये नहीं कह रहा कि आपकी अपनी जिंदगी में होगा, हो सकता है आपकी तीसरी नस्ल की जिंदगी में जाके ये आए, लेकिन दुनिया ने इस तरफ जाना है, कंफर्म जाना है, पेशन गोई में शामिल है, इस तरफ होना ही होना है. इतना खून बहेगा कि एक परिंदा जो है वो उड़ते उड़ते जब थक जाएगा तो जब उतरेगा लाश पे उतरेगा, इतना होना है आगे चल के, हो सकता है हमारी जिंदगी में हो जाए. तो अगर ये सब हो गया तो फिर तो सीए बेकार हो गया. तो वो जो आप 6 साल की मेहनत कर रहे हैं उस अगले 30-35 साल के लिए, पता नहीं वो सक्सेसफुल बनना है कि नहीं बनना. चलो ठीक है, सक्सेसफुल तो बाकी बात है, किसी के पास ये कंफर्म गारंटी है कि आप वो 35 साल जिंदा भी रहने वाले हैं? नहीं. आप अपने इर्द गिर्द नजर डालेंगे ना तो आपको ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जो आप ही की उम्र के बच्चे थे और वो दुनिया में नहीं है. कई मिसालें मिल जाएंगी, अपने खानदानों के अंदर मिल जाएंगी, अपने पुराने दोस्तों के अंदर मिल जाएंगी. मेरे सीए के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे सामने के बैठे हुए, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे टीएस, मेरी भतीजी, जो दुनिया में नहीं है. 9-10 लोग ऐसे हैं जो दुनिया में नहीं है. एक मिसाल बताता हूं, मेरा सीए फाइनल का स्टूडेंट, उसकी दुबई नौकरी हो चुकी है, दुबई सेटल्ड. इस रात को क्लास पढ़ा, सीए फाइनल की क्लास पढ़ के निकला, दोस्त से बात की कि दुबई नौकरी हो गई, और अगली सुबह जिसकी दुबई नौकरी थी वो बस के नीचे आ चुका था. तो ये जो अगले 35 साल हैं, पहली बात
पता नहीं आपके अच्छे गुजरना है कि नहीं गुजरना है, दूसरी बात पता नहीं है भी कि नहीं है, तो उस अधूरी अन मतलब डाउटफुल चीज के लिए आप अपनी जवानी के एनर्जीज पूरी की पूरी खर्च कर रहे हैं और आप अकलमंद हैं, पता नहीं सीए होना है कि नहीं होना, पता नहीं अगले 35 साल है कि नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि मरना है, कंफर्म। अगर किसी को नहीं यकीन है तो मरेगा तो पता चल जाएगा। ये कंफर्म है कि दुनिया से शिफ्ट होना है कब्र में, कब्र से शिफ्ट होना है यौमे आखरत जो क्यामत का दिन है, और ये दोनों फेजेस हर एक के अलग अलग हो सकते हैं। कब्र किसी की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी की कब्र जो है वो जहन्नुम का गढ़ा हो सकता है, किसी की कब्र जो है जन्नत का बाग हो सकता है, किसी की ड्यूरेशन कब्र में ऐसी होगी जैसे पता नहीं कितने साल गुजर गए, किसी की ऐसे होगी जैसे शायद एक दिन गुजरा है। फिर जो क्यामत का दिन है वो भी वेरी करेगा, किसी के लिए वो हजारों साल के बराबर होगा, किसी के लिए शायद एक लम्हे के बराबर होगा। उसके बाद ये तो दो फेजेस हो गए, उसके बाद फिर आगे दो रस्ते निकलने हैं, या हमेशा की जन्नत जानी है या हमेशा की दोजख होनी है। और जिसको इन बातों का यकीन नहीं है लग पता जाएगा क्यामत के दिन जब दोबारा उठाया जाएगा, यकीन आ जाएगा, सबको यकीन आ जाएगा। अब आप अपनी अकल को अभी के अभी असेस कर दीजिएगा मेरी इस बात से कि आप उन 34 साल के लिए, और आप और आपके वालदैन भी, मेरे भी वालदैन, मैं भी, उनके आपके वालदैन की एफर्ट अब तक आप पे क्या है, पढ़ाई कर लो, कैरियर बना लो, यही कर रहे हैं ना अब तक। तो हम अपनी अकल का यह अंदाजा करें कि हमारी सारी एफर्ट हो रही है उस 35 साल के लिए जो पता नहीं अच्छे होने के नहीं होने, और पता नहीं होने भी है कि नहीं होने। तो आप 35 के मुकाबले में जब देते हैं 6 साल, तो आपको लगता है कि वर्थ स्पेंडिंग है, क्योंकि 6 साल की मेहनत 35 साल अच्छे। तो दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में इतनी थोड़ी है कि अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक डॉट लगा दूं ना तो वो डॉट इस पूरे बोर्ड से फिर कंपेरेबल है, लेकिन दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी से कंपेरेबल ही नहीं है। आखिरत की जिंदगी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसने खत्म ही नहीं होना। तो हम अपने इतने अकलमंद लोग हैं कि वो 35 साल जिनके लिए पता नहीं अच्छा होना है कि नहीं, हम जान मारे चले जा रहे हैं, और उसके बाद जो होना है उसके लिए फिक्र की कोशिश ही नहीं की कभी किसी ने, पूछने की जहमत नहीं की कि आखिरत में सवाल किस बात के होने हैं, वो क्या परफॉर्मेंस है जो जज होनी है। आप ढूंढते ढूंढते उस कॉलेज तक, उस टीचर तक पहुंच गए जिस पे आपको यकीन है कि पेपर पास कराएगा, आपको यकीन है कि हाँ आईकैप का सिलेबस क्या, आपको फिक्र है, आपको फिक्र हो रही है कि सिलेबस पढ़ने में बच्चे ने इतना ही कह दिया कि सर आप बस थोड़ा थोड़ा पढ़ा दें, सबको ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे सर ने उसकी बात वाकई मान लेनी है, और सबको फिक्र भी हो गई, नहीं 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 सर ऐसे नहीं करना। आपको आई कैप के एग्जाम की फिक्र हो गई ना, तभी तो बोले आप ये सब। हम सब अपने अपने गृहवानों में झांक के देख लें, क्या इतनी ही फिक्र हमने इस पे की है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होना है? क्या हमने ये सोचा है कि क्या हम दोजख वालों में तो नहीं होने लगे? क्या हम जन्नत वालों के लिए टाइटल हैं? क्या हम ये तो नहीं सोच बैठे कि अल्लाह रहीम है तो अल्लाह सबको माफी कर देंगे? तो अगर अल्लाह ने सबको माफी कर देना एंड पे, तो ये सारी ड्रामेबाजी हो रही थी अब तक? क्या ये नबियों का आना, चीरा जाना, आरे से चीरा जाना, खाने उतारे जाना साहबा की, ये मजाक हो रहा था, ड्रामा हो रहा था, ऐसे ड्रामा हुए चले जा रहा था, ये ड्रामे में कुरान उतर गया? तो अगर आखिर में अल्लाह ने, अच्छा अल्लाह कुदरत रखते हैं, वो सब माफ कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने सबको बगैर परफॉर्मेंस के माफ ही कर देना है तो ये ड्रामा चल रहा था क्या? मतलब ये तो फिर ऐसे ही होगा कि एंड पे होगा, कैमरे को देख के हाथ ला दे, ये नहीं होगा। अल्लाह ने जब क्यामत का दिन रखा है, जन्नत दोजख रखी है, तो ये होना है। अब उसमें हम लोग अपना अंदाजा कर लें कि क्या हम जितनी फिक्र दुनिया की उस 34 साल की जिंदगी के लिए कर रहे हैं जो पता नहीं है कि नहीं है, क्या हमने थोड़ा सोचा है कि आखिरत में हमारे साथ क्या होना है? क्या उसके लिए ये ढूंढने पूछने की कोशिश की है कि उसका कोर्स क्या है, उसकी क्या परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, क्या करेंगे तो क्या मान हो जाएंगे, उसको कैसे टाइम टेबल में एडजस्ट करें? क्योंकि अकल तो ये है कि जिस चीज का ज्यादा देर बेनिफिट मिलना है। आप लोग आईकैप के एग्जाम की ज्यादा अच्छी तैयारी करेंगे अगले हफ्ते के टेस्ट की? आईकैप के एग्जाम की अगले हफ्ते का टेस्ट तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन असल आईकैप का एग्जाम है। तो जितना बड़ा इम्तिहान, जितना बड़ा रिवॉर्ड, उतनी बड़ी फिक्र। तो हमारी सारी फिक्रें 34 साल का कैरियर अच्छा गुजर जाए, और जीरो फिक्र कि आखिरत की जिंदगी अच्छी गुजर जाए। अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं थोड़ा थोड़ा और करके ना फिर कंक्लूजन पे आऊंगा कि आपसे चाहता क्या हूं। ठीक है जी, अल्लाह।